कोचबेली स्कैम में ईडी की कार्रवाई, शाहरुख की आईपीएल टीम से जुड़ी कंपनी समेत 3 की 70 करोड़ की संपत्ति जब्त। नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने रोजबेली पोंजी स्कीम मामले में अभिनेता शाहरुख खान की आईपीएल टीम से जुड़ी कंपनी समेत 3 कंपनियों की 70 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त कर ली है। ईडी के एक अधिकारी ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यह कार्रवाई हुई है। ईडी ने बयान जारी कर कहा कि रोजबेली समूह और इसकी अन्य संस्थाओं से मिले पैसे के संबंध में यह कार्रवाई की गई है। ईडी ने बताया कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए के तहत कई संस्थाओं और व्यक्तियों से जुड़े लोगों की 70.11 करोड़ की संपत्ति को अटैच किया गया है। बता दें कि रोजबेली केस मामले में ईडी द्वारा कोलकाता और भुवनेश्वर में कई चार्जशीट दाखिल की गई है।